में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। मऊ रानीपुर नगर निकाय चुनाव, जहां मतदाताओं को अपने अपने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से वोट डालने की अपील की जा रही है, वहीं शक्ति प्रदर्शन की श्रृंखला में आज निर्दलीय प्रत्याशी शशि श्रीवास ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। रैली की भीड़ नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। मऊ रानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव दिन प्रतिदिन बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है, जहां अब अध्यक्ष पद की रेस में तमाम प्रत्याशियों के बीच मुकाबला न होकर टक्कर अब आमने सामने हो गई है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम पड़ाव में शशि श्रीवास के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और शशि श्रीवास के समर्थन में नारे लगाए गए। अब देखना यह होगा कि आगामी 4 मई को होने वाले मतदान के बाद प्रत्याशियों की जीत हार मत पेटी में बंद हो जाएगी और जीत हार का फैसला 13 मई को निकल कर सामने आ जाएगा। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊ रानीपुर में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश हुआ प्रारंभ। विद्यालय में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ज्ञान के साथ साथ बच्चों को संस्कारी बनाने का पूर्ण प्रयास। सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय सुयोग्य शिक्षक द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालय के संचालक हैं दीपेश श्रीवास व प्रधानाचार्य रघुनंदन गौतम। कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधाएं हैं, हवादार कमरे, खेल का मैदान, पुस्तकालय, डिजिटल नॉलेज हेतु कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। प्रत्येक माह मासिक टेस्ट के साथ साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगी। बच्चों को आने जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही लीजिए गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊ रानीपुर में एडमिशन और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए उज्जवल। और अधिक जानकारी के लिए 7007021166 और 9695415800 पर कॉन्टैक्ट करें।